मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अजय देवगन की टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने दो दिनों में 36 करोड़ 90 लाख की कमाई की थी। वहीं अबली जे फिल्म के तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बता दें कि फिल्म ने तीसरे दिन लगभग 25 करोड़ 50 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर 62 करोड़ 40 लाख की कमाई कर ली है, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरन आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। जी हाँ, तरन ने ट्वीट कर लिखा कि टोटल धमाल हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पार्क, स्विम्स पास्ट ₹60 करोड़, वर्ड ऑफ माउथ केम इन टू प्ले ऑन डे वन इटसेल्फ, टेरिफिक इन मास सर्किट्स, बिग ग्रोथ एट मेट्रोज डे टू एंड डे थ्री, फ्राइडे 16.50 करोड़, सैटरडे 20.40 करोड़, संडे 25.50 करोड़, टोटल ₹62.40 करोड़। बता दें कि फिल्म ने तीन दिनों में ही इतिहास रच दिया है। दरअसल अजय देवगन की इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, उसके बावजूद भी इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई कर धमाल मचा दिया है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है। साथ ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड लगभग 4,486 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। इंदर कुमार की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में हैं। फिल्म को वीकेंड पर दर्शकों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। वैसे आपको क्या लगता है, टोटल धमाल 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। For whom? माधुरी मैम। First of all, this film was being directed by Induji, and I had not worked with him for a very long time. Then I'm paired with Anil ji in the movie. Ashok ji is one of the producers. And of course, the star cast is brilliant. There's Ajay and there's everyone in the movie. I heard the script, and I think everything was based on the script. As soon as I heard it, I couldn't say no, because it is so funny, the movie, and it gave me something different to do after a long time. So there's your answer. I just loved the script, and I did it. And of course, everything else. And we all needed motivation. good afternoon to everyone. This is Simran Singh here. Mera sawal aapse, Inder ji. डबल धमाल एंडेड ऑन द नोट की जहां आदि एंड गैंगस्टर्स की हम बताएंगे कबीर नायक को कि क्या होने वाला है टोटल धमाल में, सो व्हाई कबीर नायक इज मिसिंग, मतलब अगर डोंट यू थिंक अगर संजय दत्त भी होते तो शायद फिल्म में और मजा आ जाता, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? एक्चुअली बहुत मजा आता अगर वो भी हमारे साथ होते, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनकी डेटों की प्रॉब्लम थी और इतने सबको साथ में लाना इज नॉट ईजी, सो कबीर सिंह को आई हैड टू ओमिट, एंड वी बोथ आर रियली unhappy about it, even Sanjay and me. Okay, so I have another question with you, sir. Dhamaal has earned a cult status and Double Dhamaal also received good appreciation, but there are certain section of people who said the Double Dhamaal was not at the par of the success of the predecessor. So don't you think that when you look back, do you think ki Double Dhamaal thodi aur achhi ban sakti? What do you want to say about it? Mujhe ha, yes, dekhiye, I agree with you. Double Dhamaal was good, but not as good as Dhamaal, I agree wholeheartedly. And we have tried very much कि इस बार आपको ये शिकायत का मौका ना मिले. Hi sir. Hello. Hi Ajay. Hello Indu sir. This is Urvi on your. On the left. Yeah, stage left. Sir, since you have got Anil ji and Madhuri ma'am in the film together, will we get to see them dance on the iconic song Dhak Dhak Karne Laga? Is there a possibility of it? यहाँ पे धक धक नहीं है, बकबक है. धक का प्रॉब्लम है. इस फिल्म में सब करना चाह रहे माधुरी के साथ. So I think next film है. I say I want to see Anil Kapoor dance. Next year. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, but Hopefully, आगे फिर करेंगे। मेरा सवाल पूरी टीम से है, क्योंकि ये वाइल्डेस्ट एडवेंचर पे मूवी है, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? आई नो VFX सब यूज किया है, इंडिया में बहुत टाइम बाद एक एडवेंचर वाइल्डेस्ट एडवेंचर पे आ रही है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे आप लोगों ने शूट किया? मुझे शूट करना काफी डिफिकल्ट भी था और काफी ईजी भी था, एंड बट हम लोगों ने किया, मतलब एडवेंचर फिल्म दिखती बहुत ईजी है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शूट. बट मैं खास मेंशन करना चाहूँगा, अजय की टीम है NY स्टूडियोज़, जो स्पेशल इफेक्ट का काम करती हैं,
उन्होंने ब्रिलियंट स्पेशल इफेक्ट किए हैं एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल क्या है और क्या क्रिएट किया गया है. सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. इंदू जी, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट, स्टेज लेफ्ट सर, ऑन योर लेफ्ट. Hi, Udhar, Udhar. This is Faridun from Bollywoodangama. Sir, fantastic promo, really funny. And my question to you is, I think the lines are very funny, the writing is very funny. Rope and Hope, I think a lot of fun is happening over there. So if you can please explain us about the collaboration with the writers and who are the writers and how the experience Thank you. Ved Prakash and Bunty and Paritosh Painter. I hope they are here. They are not here. Okay, please give a very big round of applause for them. They have worked for 2.5 years to write this script. And they should have been mentioned. Very nice of you for reminding us. Thank you. Indu ji, Suhail here, on your left only, yahi par. Haan ji. Lagta ki is time par aise possible hota ki itne bahut stars ko ek saath film lena. Sabse pehle to wo thought kaise aaya ki ek saath itne logo ko jama karna, jaise aapne kaha ki Ajay ji ka cooperation bahut tha us cheez mein. Ji. First of all, it aaj ke pehle aise banti thi ki bahut ek multi star film banti thi. पर आज के टाइम पर इट्स वेरी डिफिकल्ट एज डेट्स पाना, फिर सबको एक साथ लाना, सब कुछ जस्टिफाई करना रोल, यू नो, तो वो एक प्रोसेस थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे. इसमें मैं कहूँगा कि राइटरों का बहुत बड़ा हाथ है कि जब जब हम जिसको भी जाके स्क्रिप्ट सुनाते थे वो इंस्टेंटली हाँ बोलता था. जैसे अभी माधुरी जी ने कहा कि मैंने स्क्रिप्ट सुना तो एवरीथिंग वॉज बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट. सो दे हैव डन अ स्वेल जॉब, सुपर जॉब. एंड you have this film, when you see the film you will see more of it. Ajay ji, golmaal ka ek franchise hai, abhi dhamaal mein aap aa gaye ho, kaise kaise dekh rahe ho aage iska association? Nahi, ye jawab aap dijiye ki aap kaise dekh rahe hain. I'm seeing main to chah hi raha hu sir aapko dekho actually. Nahi, jaisa ki everyone likes it, jaisa ki Induja ne kaha ki dhamaal to theek hai but script itna funny tha and Madhuri also said that. एक वो रीज़न था ये फिल्म करने का. और दूसरा, ऑनेस्टली, जब जो आपने इंदु जी से सवाल पूछा कि इतने सारे स्टार कास्ट आपने कैसे जमा कर ली, सबसे पहला रीज़न तो स्क्रिप्ट होता है. और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आई थिंक एवरीबडी हियर लग रही कि जितनी अच्छी गुडविल इंदु जी की है, आई कॉन्ट टेल यू, आई मीन एवरीबडी लव्स हिम बिकॉज ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन एंड ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन पीपल आई नो इन द इंडस्ट्री. जस्ट वन थिंग अनिल जी, गुजराती कैरेक्टर प्ले करना कितना मजा आया एंड लाइक वो जो डायलॉग्स आप पटेल भाई. इट वॉज टफ टू बी ऑनेस्ट विद यू बिकॉज देर आर सर्टन डायलैक्स यू नो विच आर कम्स कम दे कम वेरी इजिली बट विद इंदु जी बींग अ गुजराती सो मैं तो सिर्फ ये बोलता है मैं डायलॉग बोलने से पहले इंदु जी एक बार बोल दे यार. सो इन द माइक यू सर एंड एज द वे इज टू यू नो रेंडर द लाइन्स. सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव इमिटेटेड Induji, and then of course there is, I don't know if he over here, there is Suraj Vyas. Is he around? Suraj Vyas, so he was very, very helpful. I used to sit with him and we, you know, and did a lot of, quite a few workshops with him to, you know, get the, I've tried, I hope people feel. And if I was going wrong, Induji was always there to correct me. So Suraj Vyas and Indra Kumar ji. Madhuri ma'am, you have... और शुरू शुरू में इन्होंने पंजाबी में शुरू कर दिया था तो धीरे धीरे फिल्म खत्म 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 करते करते गुजराती पे आ गए. नहीं नहीं, फिल्म अजय जी ने देखी है तो उन्होंने कहा भी यार एक दो जगह जरा के ठीक कर देना. मैंने बोला सो यू नो ऑलवेज देयर इज अ यू नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम करूंगा तो और बेटर करूंगा बट आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दिस. माधुरी मैम, यू हैव रिसेंटली टर्न्ड प्रोड्यूसर विद टू फिल्म्स, कैन यू गिव द लेटेस्ट अपडेट ऑन 15th August? 15th August विल बी रिलीज्ड ऑन Netflix. Or we are looking at April to release the movie. And will you be continuing to produce films in the future? Yes, absolutely. Thank you, ma'am. Hello. Anil sir, hello. Anil sir. Hello. Sir, this is Kishan sir. How was the experience of your meet the Prime Minister Narendra Modi? Can you share the details about, have you talked about the film? It was wonderful, absolutely. It was, you know, I've been wanting to meet him since quite a few years. When he was the chief minister in Gujarat, but it never happened. You know, there are certain meetings which are destined. So, you know, I was fortunate. I had the privilege and honor to meet him. I got an appointment and I met him. It was wonderful, absolutely, very inspirational.
And, I don't think so. I've seen anyone working so hard. Do you think he should be the next Prime Minister of India? I think, obviously, you know, that's for all of us. I think we'll see. And, this is not a political platform. When we go and vote, we'll all decide. Hello, Johnny Lever. One second. We'll wrap up with this last question. Johnny Lever. Yeah. Sir, how are you? Ramesh Rao. आपका दोस्त हमेशा आपको सवाल करता है रमेश ठीक है रमेश राव हम सीने आजकल जॉनी ली आप तो सीनियर हो सबके साथ आप काम किए कोई बोलने की जरूरत नहीं है अनिल जी अजय जी माधुरी जी और हमारे नए जो और मतलब अर्षद वारसी एंड जावेद जी ये भी सब कॉमेडी करते हैं नए नहीं है सर वो नहीं मतलब